जब मिले थे हम पहली बार, तुम करीब आए थे मेरे, तुम्हें मैं अच्छी लगने लगी थी और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी। तब तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था और मुझे भी तुमसे किया हर वादा सच्चा लगता था। घंटों घंटों फोन पर बातें किया करते थे तुम, और मुझसे मिलने के बाद अक्सर लेट सोया करते थे तुम। हर बात पर तुम मेरे लिए केयर दिखाते थे। रूठ जाऊं मैं कभी तो तुम झट से मनाते थे। 25 से 30 किलोमीटर तक रोज मुझसे मिलने आया करते थे और उसके बाद मुझे घुमाने भी ले जाया करते थे। तो क्यों आज साथ होकर भी हम साथ नहीं, और क्यों इस रिश्ते में अब पहले जैसी कोई बात नहीं? क्यों हमारे वो पहले जैसे हालात नहीं, और क्यों आज मेरे हाथों में तेरा हाथ नहीं? एक छत के नीचे रहकर भी तू अजनबी बन गया है। पता नहीं तू अचानक इतना क्यों बदल गया है। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं की, पर कभी तुमने ही ये रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं। एक अरसे से जिंदगी को ऐसे ही एडजस्ट कर रही थी, और जो हो रहा था मेरे साथ उसे बेमन से एक्सेप्ट कर रही थी, और तू मेरी इसी बात का फायदा उठा रहा था। मैं दिल लगा रही थी, तू दिमाग चला रहा था। पर कब तक इन रिश्तों को घसीटा जाए? जहां चलना भी हो मुश्किल, वहां भला कैसे दौड़ा जाए? पर अब सच बताऊं तो बहुत थक चुकी हूं मैं, और इस घिसी पिटी जिंदगी से पक चुकी हूं। मैं जानती हूं कि मुझे कोई समझ नहीं पाएगा। टूटा था पहले भी ये दिल, एक बार फिर से टूट जाएगा। पर इस बार मैं खुद से एक वादा करूंगी, दूसरों से कम और खुद से प्यार ज्यादा करूंगी। मैं हंसती रहती हूं अक्सर, इसलिए कोई जान नहीं पाता, और इस हंसी के पीछे का दर्द कोई पहचान नहीं पाता। अब किसी को इतना पास नहीं लाऊंगी मैं, अब किसी को इतना पास नहीं लाऊंगी मैं, और किसी को इतना खास नहीं बनाऊंगी मैं। और जरूरी नहीं कि जबरदस्ती रिश्तों को निभाया जाए, झूठी मुस्कुराहटों से बेमतलब सबको हंसाया जाए। हम अक्सर ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पर जिन्होंने कभी आपका दर्द जानने की कोशिश तक नहीं की, आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? और इस दर्द में रहना है या इससे बाहर निकलना है, इसका फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपके पेरेंट्स के एक्सपीरियंस अच्छे हों तो आपके भी होंगे, उनके डिसीजन अच्छे हों तो आपके भी होंगे। जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं उसे आप ही बखूबी जानते हैं, और कोई नहीं। और जो आपको समझता होगा वो आपकी सिचुएशन को भी समझेगा। और शायद हमारा सफर यहीं तक हो, और शायद हमारा सफर यहीं तक हो, ये सोचकर अच्छी मेमोरीज को अपनी डायरी में रखकर उस चैप्टर को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपकी किताब में कहानी नहीं किस्से हो, और अगर आप चाहते हैं कहानी लिखना तो आपको अपनी कहानी का मेन हीरो खुद बनना होगा। क्योंकि अगर आप किसी और को अपनी कहानी का मेन हीरो बनाएंगे तो आपकी कहानी अधूरी रह सकती है, लेकिन अगर आप खुद अपनी कहानी का हीरो बनेंगे तो आपकी कहानी जरूर मुकम्मल।